सबसे पहले तो एक्ने और पिंपल दो जिनको कि हम सेम समझते हैं जो कि दो अलग चीज़ें हैं, तो सबसे पहले हम अपनी स्किन को नहीं समझ पाते हैं कि ये ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन में है। हम मार्केट में पड़े कुछ भी प्रोडक्ट्स फ्लडेड होते हैं, वो हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं, लोग कहते हैं कि बॉडी हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है हमारे, कि शरीर में बहुत गर्मी है उसकी वजह से एक्ने होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात होगी विंटर स्किन केयर पर। सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और कैसे कुछ घरेलू टिप्स अपनाकर हम अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं वो जानें। सबसे पहले तो एक्ने और पिंपल दो जिनको कि हम सेम समझते हैं जो कि दो अलग चीज़ें हैं। एक्ने इज़ अ क्लिनिकल डिजीज़ एंड एक बीमारी है, और जो पिंपल है वो इसका एक सिम्टम है। तो एक्ने क्या होता है, विच वी यूजुअली कॉल्ड एज एक्ने वल्गैरिस एज वेल, वो होता क्या है कि सबसे पहले वो हेयर फॉलिकल्स को अटैक करता है, जो कि हमारे फेस पे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। उनको अटैक करने के बाद जो हमारे स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो ऑयल सिक्रीट करते हैं। दोनों हेयर फॉलिकल्स और सेबेशियस ग्लैंड मिल के आपस में पोर्स को अटैक करते हैं। तो जब पोर्स अटैक हो जाते हैं तो फाइनली दैट लीड्स टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंड देर आर लाइक बहुत तरह का डिफरेंट एक्ने होता है, जो कि स्टार्ट होता है ब्लैक हेड्स से, फिर वाइट हेड्स, फिर कॉमेडोन्स, फिर भर के वो पस्ट्यूल्स और पस वाले जो पिंपल्स हो जाते हैं। सो जो पिंपल है वो एक क्लिनिकल सिम्टम है, मतलब बीमारी का, जैसे हम कहते हैं एक सिम्टम है, तो पिंपल इज़ वन सिम्टम इन दैट। सो ये फ़र्क है एक्ने और पिंपल में। तो एक्ने के बहुत सारे जो कॉजेज हैं, उसमें से सबसे पहला जो कॉज है हमारा जो करता है, वो हम लोग अपनी स्किन टाइप नहीं समझ पाते हैं कि हमारी जो कि नॉर्मल एक्ने शुरू होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं आके कि हमारी स्किन इतने टाइम तक बहुत अच्छी थी, ये एकदम से शुरू हुआ है, या अभी अर्ली 30s में हुआ है, कईयों के अर्ली 20s में हुआ है। तो सबसे पहले हम अपनी स्किन को नहीं समझ पाते हैं कि ये ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन में है। हम मार्केट में पड़े कुछ भी प्रोडक्ट्स फ्लडेड होते हैं, वो हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से हमारे स्टार्ट हो जाती है चीज़, बट वो आगे लेटर अफेक्ट करती है एज में। सेकेंड इज़ जो फीमेल्स हमारे पास आती हैं वो है हॉर्मोन्स इम्बैलेंस जो हो जाते हैं। हॉर्मोन्स इतने ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं क्योंकि हमारे पास नॉर्मल भी जब चेकअप कराने आते हैं तो हमें उनको बताना पड़ता है दैट कि ये टेस्ट कराइए, जिसमें सबसे ज़्यादा फीमेल्स के प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं, PCOD होता है, इसकी वजह से कुछ काफ़ी देर से इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। तो एक्ने शुरू होता है करते 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 वो एक्ने वल्गैरिस एक डिजीज़ का रूप ले लेता है। थर्ड वन कॉज इज़ द डैंड्रफ, इरेगुलर ट्रीटेड डैंड्रफ, कि वो बहुत देर से डैंड्रफ है माथे पे और हम उसको ट्रीट ही नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से जो एक्ने होता है दैट इज़ कॉल्ड नोडुलर एक्ने, जो कि हमारे फोरहेड पे आता है। फोर्थ एक बहुत बड़ा कॉज है स्वेट ग्लैंड्स। अगर हमारा स्वेट जनरली क्या होता है, प्योर होता है, बट अगर हमारी बॉडी क्लीन नहीं है, हम हाइजीन हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, सो वो जो स्वेट है वो मिक्स होता है हमारे बैक्टीरिया से, एंड इफ अनक्लीन दैट लीड्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ने। सो फिफ्थ इज लास्ट इज़ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, और बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब अगर अनकंट्रोल्ड चला जाता है तो इसकी वजह से भी एक्ने बहुत बहुत एग्जैजरेट हो जाता है। एक्ने को लेके जैसे बहुत सारे मिथ्स हैं, लोग कहते हैं कि बॉडी हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है हमारे, कि शरीर में बहुत गर्मी है उसकी वजह से एक्ने होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो उसकी वजह से एक्ने है। कॉन्स्टिपेशन इज़ वन पार्ट, कि अगर हमारा पूरा शरीर क्लियर ही नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारे और फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, बट डायरेक्टली रिलेटेड ये एक्ने के साथ नहीं है। फिर तीसरा लोग कहते हैं कि किसी तरह की दवाइयों की वजह से एक्ने हो जाता है, कि हमने ये मेडिसिन की, ये एलर्जी तो नहीं होगी। इसका किसी भी एक्ने के साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर एक पानी पीने के लिए लोग कहते हैं कि अगर हम कुछ, जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि 3 लीटर पानी पियेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, डेफिनेटली अच्छा रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि कोई जो 1-1.5 लीटर पानी पी रहा है तो एक्ने वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है इसकी वजह से। इन ये सारे बहुत सारे मिथ हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है एक्ने से।
अब एक्ने जैसे कि मैंने बताया, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, कॉमेडोन्स, फिर फाइनली जो पस वाले भर जाते हैं तो वो एक्ने वल्गैरिस हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ब्लैक हेड्स और कॉमेडोन्स जैसे शुरू हुए हैं, इसके लिए हम लोग बेंजोइल परोक्साइड 2% जेल मार्केट में अवेलेबल होता है, हम ये अप्लाई कर सकते हैं इन ओवरनाइट ओनली, एवरी डे एप्लीकेशन 6 days a week। जब ये इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, कॉमेडोन्स और माइनर एक्ने शुरू हो जाता है, उस पर हम लोग क्लिंडामाइसिन 5% जेल लगा सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन जेल भी लगा सकते हैं, ये इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। थर्ड इज अगर एक्ने वल्गैरिस हो गया है कि पेशेंट बहुत बड़े बड़े फोड़े और रेड इन्फ्लेमेशन है इतनी ज़्यादा ऐसा लेके आया है, तो उनको इमिजिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि फाइनली फिर हम उसको एज अ डिजीज़ ट्रीट करते हैं डिफरेंट तरीके से, जिसमें हम आइसोट्रेटिनोइन और डॉक्सी, बहुत सारे ऐसे कैप्सूल्स होते हैं, मेडिकल हिस्ट्री देख के, उनके टेस्ट करवा के, हॉर्मोन्स बैलेंस करा के, अकॉर्डिंगली हम उसको मेडिकली ट्रीट करते हैं। होम रेमेडीज़ में अब सबसे पहले होम रेमेडीज़ मैं बताना चाहूँगी, एक जो बहुत अच्छा मास्क है जो काम करता है वो करता है योगर्ट और ब्लैक पेपर। हम घर पे दही को छान सकते हैं या हम मार्केट वाला योगर्ट ले सकते हैं। योगर्ट को छानने के बाद उसमें ब्लैक पेपर मिक्स करके हम लोग नॉर्मल ब्लैक हेड्स, कॉमेडोन्स और जो एक्ने शुरू होता है उसके ऊपर ओवरनाइट अप्लाई कर सकते हैं। एंड किसी की स्किन अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो उसको फिर हम 45 minutes बाद वॉश ऑफ कर सकते हैं, बट दिस हैज़ टू बी अप्लाइड वंस इन 15 days। पहला एक ये टिप है। सेकेंड इज़ जो हमारा प्लांट का एलोवेरा होता है, बहुत बार एक्ने क्या होता है कि लैक ऑफ मॉइस्चर की वजह से भी हो जाता है, हम राइट मॉइस्चर नहीं दे पा रहे होते हैं, तो एलोवेरा प्लांट में से एक्सट्रैक्ट करके उसमें हम इक्वल क्वांटिटी में घर पे ग्लिसरीन मिक्स करेंगे, तो ये भी ओवरनाइट एप्लीकेशन वंस अ वीक बहुत अच्छा काम करती है। थर्ड इज़ द नीम लीव्स, बट नीम लीव्स को अगर हम तोड़ते हैं तो हम पहले उसको बहुत अच्छे से एप्पल साइडर विनेगर वाले पानी में वॉश करने के बाद उसको बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करके जो पानी आता है हमारा उसको हम इक्वल क्वांटिटीज़ में मिक्स करेंगे रोज़ वाटर के साथ, और हम एक ये स्प्रे तैयार कर लेते हैं। दिस स्प्रे कैन बी यूज्ड ट्वाइस अ डे फॉर एटलीस्ट 3 weeks, और फिर आप देखिएगा कि इसमें इन्फ्लेमेशन, रेडनेस और जो बहुत सारे कॉजिंग एजेंट्स होते हैं एक्ने के, वो रिड्यूस हो जाते हैं। डूज़ और डोंट्स मैं आपको बताऊंगी। डूज़ में सबसे पहले आएगा आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज़ करिए सुबह और रात 2 बार। सेकेंड इज़ जो हमारा SPF है, जो कि हमें एक बैरियर बहुत ज़रूरी रखना है हार्श सन के साथ, दैट शुड बी मैट और जेल बेस्ड, वो क्रीम वाला यूज़ नहीं करिए। थर्ड इज़ मॉइस्चराइज़र, लोगों को लगता है कि स्किन ऑयली होगी है तो मॉइस्चराइज़र ज़रूरी नहीं है या नहीं है, बट ये बहुत राइट इम्पॉर्टेंट मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, अगेन दैट शुड बी जेल बेस्ड, ताकि हमारी स्किन को जो राइट मॉइस्चर मिलना है वो जेल से मिलेगा, जो कि एक्ने प्रोन स्किन है। अब डोंट्स में सबसे पहले आता है कि हैवी मेकअप बिल्कुल अवॉइड करिए, चाहे वो किसी भी तरह के ब्रांड का है, मेकअप इज़ मेकअप। वो क्या करेगा कि ऑलरेडी जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो रखे हुए हैं, जब हम मेकअप लगाएंगे वो और क्लॉग हो जाएगा। डिपेंड करता है हमारे पोर्स कितने ओपन हैं, वो अंदर तक मेकअप इतना ज़्यादा चला जाएगा, दैट विल लीड टू मोर इन्फ्लेमेशन, मोर एंटी बैक्टीरियल जो हम प्रॉपर्टीज़ जो कि हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वो बैक्टीरिया और प्रोड्यूस करेगा, और फिर एक्ने बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थर्ड इज़ कि हम थोड़ा अपना हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। स्वेट, जैसे कि हम सबको बताते हैं, पेशेंट्स हमारे पास आते भी हैं, बहुत बार मुंह नहीं धोना है कि किसी को लगे कि हमें हर घंटे में मुंह धोना है। थ्राइस अ डे वॉशिंग द फेस विद गुड नॉर्मल वाटर, गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा, आप उससे धो सकते हैं। एंड 2 बार आप जो फेस वॉश यूज़ करेंगे वो भी 3 बार नहीं करना है, 10 बार मुंह नहीं धोना है, क्योंकि हमारे फेस पे एक लिपिड बैरियर होता है, तो रिपीटेड अगर हम पानी से धोते रहेंगे तो वो बैरियर जब रिमूव हो जाएगा तो वो फाइनली हमारी जो मेन स्किन की लेयर है वो चली जाएगी, दैट उससे क्या होगा, वो एक्सपोजर और ज़्यादा बढ़ जाएगा और एक्ने अट्रैक्ट करेगा। सो दीज आर द डोंट्स जो कि हमें नहीं करने हैं।